नाजरीन आदाब, आप जेकेएल विजन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह, खबर दिखा रहे हैं महेंडर से। जानवरों की लंपी स्किन डिजीज़ के मुतल्लिक आज महेंडर डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के इश्तराक से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर सज्जाद अहमद VAS, डॉक्टर अशोक आनंद VAS और प्रोफेसर मोहम्मद रजाक बॉटनी डिपार्टमेंट मौजूद थे। इस मौके पर इस डिज़ीज़ के मुतल्लिक अवेयरनेस फरहम की गई और वो जानवर जिनको ये डिज़ीज़ हो उनके किस तरह से उन्हें ट्रीट करना चाहिए इस मुतल्लिक अहम जानकारी दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। आपने जैसे मंकी पॉक्स सुना ना, मंकी पॉक्स ही है, समझो वही पॉक्स आ गया है जानवरों में। पहले शीप गोट में पॉक्स वायरस बहुत कॉमन था, तो वो सबको पता है कि शीप गोट में जो जिन्होंने रखा है जिन्होंने नहीं रखा उनको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ शीप गोट में बहुत कॉमन थी पॉक्स वायरस। दूसरी चीज शुरू कर दी, नहीं ऐसे तो मैं बोर हो गया, अच्छा लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक अच्छा नहीं चलता है, तो इसने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से शिफ्ट कर दिया पैरासिटिक रिलेशनशिप पे। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप पे शिफ्ट किया वायरस ने, अब पैरासिटिक से क्या हुआ कि वायरस पैरासाइट बन गया नॉर्मल सेल। अब क्योंकि वायरस एक पॉइजन है तो पॉइजन ज़्यादा डेडली होगा एज कम्पेयर टू 1998 की बात। शुरू में आपको पता है यहाँ बहुत सारे जूलॉजी के स्टूडेंट होंगे, एक वॉकिंग के भी हों, जूलॉजी का ये है कि जूलॉजी के स्टूडेंट्स को एनाटॉमी फिजियोलॉजी डॉक्टर से सिर्फ वो एक ही बुनियाद पे डिफरेंट करते हैं, वो है कि उन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी जो अप्लाई करनी है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बाकी वो आलमोस्ट डॉक्टर फार्माकोलॉजी उनको नहीं पढ़ाते।